हाय एवरीवन, आई एम अदिति, आई एम युवराज, और आज हम करने वाले रिएक्ट ट्रेलर 2 पे, जो कि है मैं अटल हूँ का। और मूवी बहुत बेहतरीन लग रही है। गाने भी हमने सुने थे, मूवी का जो पहला ट्रेलर है वो भी हमने देखा था, दोनों अच्छे थे। तीसरी चीज आ गई है, सुनते हैं इसको और देखते भी हैं और ये क्या मूवी है। 19 जान को आ रही है, तो आप जा सकते हैं और देख भी सकते हैं। लेट्स गो। और फिर से मैं बताना चाहूँगा, ये मूवी है हमारे वन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स पे, अटल बिहारी वाजपेयी जी पे, एंड इसके जो लीड एक्टर हैं वो है पंकज त्रिपाठी। लेट्स गो। जिस सुख समृद्धि की हम कल्पना करते हैं, ये सिनेमा वाले उसे दिखा देते हैं। पर्दे पर जो हमें दृश्य दिखता है हम उसे मान लेते हैं। ऐसा ही एक पर्दा सिनेमाघरों के बाहर है, जो इस देश के भोले भाले नागरिकों के आंखों के सामने लगा हुआ है। उन्हें जो दिखाओ वो सच मान लेते हैं। किसी गोरसे नाम के आदमी ने पापों की हत्या कर दी है। ये खबर भी चारों तरफ फैली हुई है कि ये गोरसे कुछ दिनों के लिए संघ में भी था। ओ, हम जब भी कुछ देश के लिए अच्छा करना चाहते हैं, हम पे सांप्रदायिक होने का आरोप लगाकर जनता को ये बताया जाता है, समझाया जाता है कि ये हिंदू पार्टी देश के लिए खतरा हो सकती है। अब क्या चाहते हैं? एक माँ और उसके बेटे ने भारत माँ और उनके बच्चों को जो प्रताड़ना दी है, जो पीड़ा दी है, अब समय आ गया है अपनी मनमानी करने वालों को गद्दी से उतार कर धरती पे लाने का। कितना सही सीन था भाई ये। धरती पे लाने का। Congratulations, sir. Our Pokhran test is successful. एटम बम का जवाब क्या है? एटम बम का जवाब एटम बम। और कोई जवाब यार, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं ना यार। दिल्ली और लाहौर के बीच ये बस यात्रा, ये तमाम पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जनता के लिए, आवाम के लिए एक उम्मीद है। अच्छा, ये जो राम मंदिर बन रहा है वो ना, ये बीपी सिंह की सरकार गिरनी चाहिए। विरोधी पूछ रहे हैं ना कार सेवा क्यों होनी चाहिए, मैं बताऊंगा। सभा का आयोजन करो, मैं आऊंगा अयोध्या। पाकिस्तान को सूचित कर दे, भारत का प्रधानमंत्री जंग जीतने के बाद ही बात करेगा। जय हिंद। भाई यार, ये तो बहुत खतरनाक करंट आ रहा है यार, देख के। और एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं यार। हम जिएंगे तो इस देश के लिए, हम मरेंगे तो इस देश के लिए। भारत माता की जय। वाओ, दिस फ्राइडे इन सिनेमास। अबे कितनी पिक्चर दिखाओगे? वाओ वाओ वाओ। बट भाई अब जैसे पहले बात हुई थी, पहले ट्रेलर में पंकज जी के वॉइस टेक्सचर थोड़ा चेंज था, उसको थोड़ा सा और पतला कर दिया गया था। बट आई फील अब इसमें वापस जो उनका ओरिजिनल तरीका है बात करने का, वो डाल दिया गया है। मतलब जिस तरीके से वो मतलब मोस्टली मूवीज में और सीरीज में इस तरीके से अपना डायलॉग जैसे उनकी आवाज आई, यू मीन, हाँ वैसे कर दिया गया है। पहले वाले ट्रेलर में थोड़ा सा अलग था, बट आई फील उसको थोड़ा सा अगर अलग वाले टोन पे लेके जाओगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि थोड़ा मिला दें उनकी आवाज़। हाँ, अटल बिहारी जी थे, उनकी आवाज़ थोड़ी सी अलग थी, तो वो और एक थोड़ा सा ऑथेंटिक फील देगा। बट देखो किस तरीके से ये मूवी में लेके आते हैं। बट वो जिस तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं वो काफी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। एक्टिंग बेहतरीन, आज मेरे पता नहीं। और मैं ये सोच रही हूँ अचानक मेरे मुझे ख्याल आया कि पंकज त्रिपाठी जी को कभी इतनी बड़ी मूवी तो नहीं मिली होगी जिसमें वो ही है एज अ मेन लीड। मतलब वो भी नहीं है कि किसी के पापा, किसी के चाचा, किसी का मतलब भाभी, कोई साइड रोल नहीं है। ये मूवी उनकी है पूरी की और पूरी। मतलब आप सोचो कि कितने बेहतरीन कैरेक्टर की उन्होंने ही चला दी है ये मूवी। हाँ, मतलब नहीं, कितने बेहतरीन एक पर्सनालिटी की मूवी दी गई है। तो वो भी आई फील वो उसको अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि वो समझ रहे होंगे अपने को बहुत प्रिविलेज्ड। वो कामनेस और वो जो एक बात रहती है मतलब एक बड़े पर्सनालिटी की, वो पंकज सर के अंदर बहुत बेहतरीन है दिखाने के, और उसको निभाना उस कैरेक्टर को ना, बहुत बड़ी बात है। कम तो पूरा है, बाकी देखो क्या रहता है। धीरे धीरे करके और क्यूरियस करते जा रहे हैं हम लोगों को। और ये वाला जो है उसमें सारे जो होते हैं, जैसे हम लोग अपने आंसर में ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं कि ये मेन पॉइंट्स है, तो ऐसे ही इस ट्रेलर में सारे वो दिखा दिए कि हमने ये दिखाना है मूवी में। हाँ, मतलब सब कुछ समझा दिया क्या 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 आने वाला है। देखो बार बार हम पोखरण पोखरण करते हैं, वाली मूवी देखना, पोखरण वाली बहुत अच्छी। उसमें जॉन अब्राहम है,
और बेहतरीन मूवी थी यार, हमने देखी है वो, मजा आता है उस मूवी को देख के। तो आप देखना, आपने नहीं देखी है तो, बाकी इसको देख के भी मजा आ रहा है। मूवी की तरफ चलेंगे और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अब आप बताओ आपको क्या लगता है मूवी के बारे में इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को देखने के लिए और आपको कैसा लगा ये ट्रेलर, प्लीज कमेंट करके बताओ। एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वन। उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद जय हिंद भारत माता की जय।